अगर आपको रोमांटिक मूवीज पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 रोमांटिक मूवीज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2020 की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी हॉलीडेट से। ये मूवी का रन टाइम है 1 आवर 43 मिनट्स का। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मूवी के मेन किरदार जैक्सन और स्लोन दोनों सिंगल रहते हैं और हमेशा अपनी हॉलीडेज पर अपनी फैमिली के तानों के शिकार होते हैं, क्योंकि वो अभी तक सिंगल ही होते हैं। Human beings aren't meant to be alone on the holidays. सिंगल रहकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने का फैसला करते हैं अपने हॉलीडेज पर। तो कैसे इन दोनों के बीच फीलिंग्स आ जाती हैं और कैसे वो एक दूसरे को रियली चाहने लग जाते हैं, यही हमें इस मूवी में देखना होगा। ये मूवी को 6.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2011 की मूवी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 आवर और 50 मिनट्स का और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मूवी के मेन किरदार हैं एस्टन कुचर और नेटली पोर्टमैन। एस्टन कुचर का ब्रेकअप हो जाता है और तब उसकी मुलाकात एमा से होती है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे और एक दूसरे से कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती हैं जब एक दूसरे के लिए उनके दिलों में फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आगे क्या होता है आपको यह मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2009 की मूवी 17 अगेन के बारे में। ये मूवी में हमें लेस्ली मैन, जैक एफ्रॉन और मैथ्यू पेरी नजर आएंगे और ये मूवी का रन टाइम है 1 आवर और 45 मिनट्स का। मैथ्यू पेरी एक 37 साल का आदमी होता है जिससे अपनी लाइफ से थोड़ा भी प्यार नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देना चाहती है और उसके बच्चे भी उसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते। एक रात वो विश मांगता है कि वो फिर से एक 17 साल का बच्चा बन जाए ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि वो फिर से एक 17 साल का लड़का बन चुका होता है। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो फिर से कॉलेज के लिए निकल पड़ जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसे अपने बच्चों के बारे में पता चलता है कि वो किन किन मुश्किलातों का सामना करते हैं। Everything feels like the end of the world. तो क्या वो इसी रूप में फंसा रहेगा या फिर अपनी खोई हुई लाइफ को वापस से हासिल कर पाता है, यही हमें इस मूवी में देखना होगा। ये मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्द से जल्द कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी लव वेडिंग रिपीट के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इसका रन टाइम है 1 आवर और 40 मिनट्स का। ये मूवी का मेन किरदार है जैक, जिसकी बहन की शादी हो रही होती है। वहाँ पर उसकी क्रश आ जाती है जिससे वो लगभग 2 साल पहले मिला हुआ रहता है। ये मूवी में हमें जैक की बहन की शादी के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जैक अलग अलग आइडियाज को अपनाता है उस लड़की को पाने के लिए। कौन सा वर्जन जैक के लिए ठीक होता है और क्या वो उस लड़की को पाने में कामयाब होता है या नहीं, आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 5.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। It is one thing if history had changed, then you wouldn't exist. Next, हम बात करने वाले हैं 2012 की मूवी द लकी वन के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 आवर और 41 मिनट्स का। ये मूवी में हमें जैक एफ्रॉन मेन रोल में नजर आएंगे और वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाते हैं जिसका नाम होता है लोगन। जैक एफ्रॉन को अपने बैटलफील्ड पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसे ढूंढते हुए वो उसके घर पर पहुंच जाता है। तो कैसे इन दोनों के बीच प्यार होता है, यही हमें इस मूवी में देखना होगा। और कैसे उस लड़की की फोटो वहां उस बैटलफील्ड पर जैक एफ्रॉन को मिलती है और क्या है इन दोनों का कनेक्शन, आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2009 की मूवी द अगली ट्रुथ के बारे में। ये मूवी का मेन किरदार है माइक, जो द अगली ट्रुथ नाम का एक शो का होस्ट होता है और एबी उसकी टीवी प्रोड्यूसर रहती है। एबी को अपने नेबर के ऊपर एक क्रश होता है और उसे वो पाना चाहती है। उसको पाने के लिए वो माइक की सलाह लेना शुरू हो जाती है। फिर माइक और एबी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। Oh, I don't assume. I know. So, did the surgeon ask you out? Oh my. Not yet. दोनों को एक दूसरे के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स आना शुरू हो जाते हैं, पर वो एक दूसरे को यह बात नहीं बताते। तो क्या आगे जाकर वो दोनों इस बात को कबूल करेंगे और एक दूसरे को बता देंगे, आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 6.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की मूवी द किसिंग बूथ के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 आवर और 50 मिनट्स का।
यह मूवी की मेन किरदार है एल, जिसका बेस्ट फ्रेंड होता है ली फ्लिन। दोनों बचपन से ही दोस्त होते हैं और एक सेट ऑफ रूल्स बना चुके होते हैं और अभी तक वो रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 9 ये होता है कि वो किसी भी फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं करेंगे, यानी कि उनसे प्रेम नहीं करेंगे। रूल नंबर 9 तब खतरे में पड़ जाता है जब एल को ली के बड़े भाई नोआ फ्लिन से प्यार हो जाता है। तो क्या वो इस रूल को तोड़ती है या फिर नहीं, आपको ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। Is there something going on between you two? Nobody can know. अगर आपको द किसिंग बूट का फुल रिव्यू देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। द किसिंग बूट के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और तीसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। द किसिंग बूट 1 को IMDb पर 6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2011 की मूवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 hour and 49 minutes का। ये मूवी है जेमी नाम की एक जॉब रिक्रूटर के बारे में, जिसका रोल निभाया है मिला क्यूनिस ने। वो डायलन नाम के एक लड़के को जॉब दिलाती है, जिसका रोल निभाया है जस्टिन टिम्बरलेक ने। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो बस मस्ती के लिए इस फ्रेंडशिप में सेक्स को ऐड करने का डिसीजन लेते हैं। दोनों की इस दोस्ती में कॉम्प्लिकेशंस तब आ जाते हैं जब डायलन जेमी को अपने घर लेकर चला जाता है। दोनों की ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब डायलन जेमी को अपने घर लेकर चला जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिनसे इनकी दोस्ती टूट जाती है। तो आगे जाकर क्या होता है इस मूवी में, आपको जानने के लिए मूवी देखनी होगी। मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2019 की मूवी 5 Feet Apart के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 hour and 57 minutes का। ये मूवी है एक 17 साल की लड़की के बारे में, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है और वो हमेशा अपना सारा वक्त हॉस्पिटल में ही बिताती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात विल नाम के एक लड़के के साथ होती है। चौंकने की बात तो ये है कि उस लड़के को भी वही बीमारी होती है। इसी कारण दोनों को एक दूसरे से एटलीस्ट 5 feet की दूरी बनाई हुई रखनी चाहिए और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो क्या वो इस रूल का पालन करते हैं या फिर ये रूल को तोड़ देते हैं, आपको ये जानने के लिए मूवी देखनी होगी। ये मूवी को 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे अकॉर्डिंग जो मूवी नंबर 1 पे है वो है द नोटबुक। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और हमें रेचल एडम्स और रायन गॉसलिंग मेन किरदार में नजर आएंगे। ये मूवी का रन टाइम है 2 hours and 4 minutes का। ये मूवी बेस्ड है 1996 की नॉवल द नोटबुक के ऊपर, जिसको लिखा है निकोलस स्पार्क्स ने। द नोटबुक को 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये मूवी है नोआ और एली नाम की एक लड़की के बारे में। नोआ एक गरीब घराने का लड़का होता है और एली एक रिच गर्ल होती है। मूवी की स्टोरी लाइन सेटअप है 1940 में और धीरे धीरे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है, मूवी की टाइमलाइन भी वैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक क्लासिक लव स्टोरी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमारे आगे लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के कारण ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और फिर आगे जाकर मिलते हैं। तो ये सब कैसे होता है, आपको ये जानने के लिए ये मूवी देखनी होगी। अगर आप ऐसे ही टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशन लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।